हेलो एवरी वन वेलकम टू सामा पॉडकास्ट दिस इज बश्रा खान आज हमारे साथ जनाब रुबीना नाजली गोइंदी मौजूद है लेकिन आप सब उन्हें जानते हैं बीना गोइंदी के नाम से पाकिस्तान की मशहूर पोइटर्स हैं पूरी दुनिया में ट्रेवल किया उन्होंने शादी से पहले के राइटर्स और राइटर्स जैसी लंबी लंबी और खूबसूरत भारी किताबें लिख डाली उन्होंने जब बात करते हैं उनके सफ़रनामों की उनके ट्रैवल ऑर्गस की तो उन्होंने सफ़रनामा जापान जापैन ऑफ द एस सोच दी आंखें जो तुम ना देखा जैसी किताबें लिखी हैं इसके साथ साथ जब बात करते हैं इनकी स्टडीज़ की बायोलॉजी में मास्टर्स किया है लेकिन फिलोसफी में भी किया है और इसके साथ साथ उर्दू में भी किया है साइंस और आर्ट्स का क्या ताल है इनसे जानेंगे इंटरनेशनली नेशनली ट्रेवल करती हैं एंड शी इज़ रिसेंटली बीन एवॉर्डेड ऑन इंटरनेशनल लेवल जब बात करते हैं इनके एवॉर्ड्स की तो 2016 में इनको क्रिश्चियंस एसोसिएशन यू एस इनको द बेस्ट पॉइट से नवाजा दो में इसके बाद द बेस्ट पॉइट बाय वाशिंगटन डी और 1993 साथ साथ जापान एंटी में इनको मिला बेस्ट चिल्ड्रेन अवार्ड फॉर साइंस बुक्स अमेजिंग वंडरफुल बहुत लंबा इंट्रो है बहुत लंबा हो जगह सारी बातें आज जानेंगे इनसे सब कुछ जानेंगे अराउंड द ग्लोब क्या चल रहा है ग्लोबल विलेज में क्या चल रहा है किताबें पढ़ाई साइंस आर्ट्स लिटरेचर की दुनिया में कैसा लगता है

उम्र के धारे में मैं हूँ इस वक्त मेरे पास डॉलर्स या रियाल या पाकिस्तानी रुपीस इतने अहम नहीं है जितना वक्त अहम है सो आई स्पेंड वेरी कॉन्शियसली बिल्कुल ठीक so बात की आपने जब बात करते हैं नॉन स्टॉपेबल वेमेन तो उसका अवार्ड भी आपको मिला दो हज़ार ग्यारह में जिसका मतलब है कि वन ऑफ द मोस्ट एम्पावर्ड वेमे यू आर जस्ट मेकिंग अस प्राउड डे बाई डे आप मिसाल हैं तमाम औरतों के लिए तमाम खुवान के लिए दुनिया के हर इलाके में जो है और करनीस की जब हम बात करते हैं सो यू आर एवरीडे मेकिंग एन एग्जाम्पल एंड गंग टू एवरी बॉडी एस ए लाइट जब बात करते हैं आपकी जर्नी की पाकिस्तान में सरगोदा से आपका ताल्लक़ रहा पढ़े लिखे ख़ानदान से लेकिन ये बताएं तमाम बहन भाइयों में आपको क्या मालूम था कि आपने इस तरह से राइटर्स वाली एक लिटरेचर फील्ड में चले जाना है या बाकी बहन भाई भी आपके जैसे थे Uh, ये बहुत अच्छा सवाल है इसलिए चूंकि जिस माहौल में जिस वक्त में मैं थी आप सोचिए कि सिक्सटीज़ सेवेंटीज़ एटीज़ का दौर ये सारा हमारी एजुकेशन और हमारी ग्रोथ का टाइम था उस दौर में ख़वातन का लड़कियों का पढ़ना ही बहुत बड़ी बात थी पढ़ाना बहुत बड़ी, 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 बात, थी। बड़ी बात थी और फिर पोइट्री एंड राइटिंग करना इतना एक्सेप्टबल यानी एक्सेप्टेबल नहीं था सोसाइटी में और उसमें मैं एक बेगाफ़ के नाम से भी लिखा करती थी तो लेकिन इसमें मैं समझती हूँ हमारे पेरेंट्स ने स्पेशली माई फ़ादर ही गिव अ वेरी गुड स्पेस टू मी और बाज दफ़ा तो अम्मी से छुपा के मुझे कहते थे कि लिखें और रेडियो स्टेशन पे जाएँ और पढ़ें और सब कुछ ये एक ट्रैवल था जर्नी था जो हमारा हुआ लेकिन उसमें वाकई था और उस जमाने में भी ख़वान् बहुत लिखती थी काम करती थी लेकिन बहुत कली उनकी खवतिन की मकदार थी या उनके इतना ज़्यादा नहीं थे लोग जो लिखते थे तो मैं ज़ाहिर में कॉन्वेंट से थी तो मैं मुझे उर्दू नहीं आती थी लेकिन आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट जब मैं लाहौर आई लाहौर कॉलेज फॉर वमेन में देन आई डेड इट और वहाँ मेरी शबनल वज़माए प्रोफेसर और फिर वहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ लिखना उस तरीके से और फिर आई मैटम साहब ममजद इस्लाम ममजद एनिशाक अहमद हमारा बैन अल्कुलिया वो एक था तो उसमें मुलाकात हुई एंड दैन लेकिन उससे पहले मैं मशरक़ में लिखती थी क्योंकि आई आई ट्राई टू जो चीज़ मेरी कमजोरी बनी उसको मैंने एक्सेप्ट किया बिकॉज उर्दू वॉज माई वीक पॉइंट जिसमें सबसे कम नंबर आते थे और उसको इसमें आपने मास्टर्स का डाला जी वो तो भी मैंने उससे पहले अमेजिंग वो <laughs> वो कैसे वो बस वो मैंने वो भी एक इसलिए चूंकि मेरी किताबें आ चुकी थी मुझे अवार्ड मिल चुका था तो फिर सर्टिफिकेशन लेनी बड़ी जरूरी थी जरूरी लेकिन मैं चूंकि उर्दू साइंस बोर्ड में आई यूज वर्क इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर फिफ्टीन ईयर्स तो वो मेरे लिए एक अच्छी बात थी मैं समझती हूँ कि उसमें पढ़ लेना चूंकि फिर एक कॉन्टीन्यूटी मैंने इसको एक मुझे उर्दू समझ तो थोड़ी बहुत आ रही थी तभी तो लिख रही थी लेकिन अभी भी मैं समझती हूँ उर्दू को पढ़ती हूँ समझते हैं हर रोज एक्सेंट को दुरुस्त करते हैं अगर कहीं ये किसी की भी है अपनी तो है किसी की भी हो तो हम नोट शोट करते दे, हैं यू नो you know, उस लर्निंग का प्रोसेस लाइफ के जैसे लाइफ चलते या yeah. तो बस यूं ही हुआ और उसमें मेरे घर में और भी लोग लिखते थे माय फ़ादर पढ़ते ज्यादा थे मेरी मदर भी पढ़ती थीं मुशायरा होता था सरगदा में और रिसाला भी निकालते थे लेकिन एक्चुअली बात ये थी कि माहौल भी था और फिर उसमें मैं तो साइंस की स्टूडेंट थी मारे मदर का उस जमाने में यही होता था डॉक्टर बने डॉक्टर बने चूंकि हम चार बहने आपके फादर भी चाहते थे डॉक्टर बने नहीं माए फादर कहते थे दो दिल चाहते हैं वो बने उन्होंने आपको फुल स्पेस उन्होंने फुल स्पेस दी लेकिन वो भी बाद बाज़ा पे मजबूर हो जाते थे फिर साइंस पढ़े मम्मी ने कहा है तो साइंस

धड़कने दिल की मैं सुनाऊँ तुझे वाह 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 और ये मैं जब नहर में हम जब पढ़ते थे एम में तो ये नहर इस तरह नहीं होता था ये नहर बिल्कुल यूं थी कि हम बैठ के पाँव रख के नहर में और हम जब एम का थीसिस करते थे बायोलॉजी में तो लेकिन साथ साथ में हम नज़में मेरी फ्रेंड्स ही सुनती थी और हम भी सुनते थे यूनिवर्सिटी का मुशायरे में जाना सब कुछ करना आई रिमेम्बर तो ये मैं उसका अगला शेर आपको सुना दूँ चांदनी रात में बुलाऊँ तुझे धड़कने दिल की मैं सुनाऊँ तुझे तेरे पहलू में रख के दिल अपना चांद रातों में गुनगुनाऊं तुझे वाह 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 अमेजिंग तो आपकी कि किसके नहीं, लिए लिखी है क्या सोच के लिखी नहीं, है? नहीं उनको थोड़ी हम बताते थे कि हमने <laughs> लिखी है तो उनके पास इतना टाइम नहीं था वी वर सिक्स एंड सिस्टर्स तो शी वॉज वेरी बिजी वुमेन हाउस और उनके पास ये वक्त नहीं था कि अखबार को पूरा पढ़ें तो अदबी सफ़ा तो उनको टाइम ही नहीं मिलता था तो हमारी बचत हो जाती थी तो वहाँ तस्वीर मैं कहती थी ना लगाएं हसन रिजवी साहब हुआ करते थे जंग में तो वो मेरी तस्वीर लगाना उन्होंने मेहताज और किश्वर नाहिद और ये उस दौर में तो कैसा आपको फील होता था तो जब आप देखती थी कि आपके अखबार में प्रिंट होकर आ रही है। नहीं मैं, मैं तो डरती थी, थी। कि नहीं आनी चाहिए मैं कहती थी प्लीज डोंट डू इट चूंकि मुझे घर वाले फिर बहुत ब्रदर्स वर गुड यू नो उनको उनको लिए इतना प्रॉब्लम नहीं था मेरी मदर का ज्यादा होता था कि और बहनें हैं वो भी खराब हो जाएंगी तो वो एक खराबी का एक दौर ये समझते थे ना लिखने को तो अभी मेरी किताब बसात एहतराम जो आई तो उसमें मैंने लिखा कि जब मेरे डैडी गए अभी कोविड में तो मैंने मतलब बोला oh, yes, मेरा पहला कारी वो होते थे तो जब आपका कारी नहीं हो तो राइटिंग को राइटिंग की जो मियाद और उसकी जो वकार है ना वो तीन चीज़ों में इट्स अ वेरी गुड ट्रायंगल एक ट्रायंगल बनता है मुसलस बनता है वो एक कारी होता है एक तख्लीक़ होती है और एक लिखने वाला तो बाद में आता है तो इसलिए कारी का होना यानी सुनने रीडर का होना बड़ा ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है तो ये मैं समझती हूँ तो जब आपका कारी पहला कारी जो होता है सुबह सवेरे मेरे डैडी मुझे फ़ोन करते तो वो मेरे लिए अच्छा होता था और इसी तरह शशफाक साहब अशफाक अहमद बानू कदिया मुनी न्याजी साहब ये सब लोग जो थे हमारे दौर के लोग थे आपका इनके साथ वक्त गुजरा शहजाद अहमद ने मेरी पहली किताब सोचती आंखें जो मेरी थी शायरी की पहली किताब उस पर उन्होंने लिखा तो फ्लैप लिखा और उन्होंने पेश लफ्स लिखा सोचती आंखें जो, तुम जो तुमने देखा सोचती आंखें जो तुमने देखा एक किताब थी एक किताब थी सोच दिया दूसरी मेरी शायरी की किताब थी जो तुमने देखा तीसरी हाँ। किताब थी शायरी की मिट्टी की प्याली मिट्टी की प्याली जी वो उसकी वो है चक्कर खाती चरखी पर मेरी नज्म है चक्कर खाती चरखी पर घूमकर तेरे हाथों में पानी के चंद ही कतरों से मैं अपने आप से मर जाती कभी गोल रकाबी के जैसी कभी चपटी कासों की प्याली मैं अपने अंदर ठंडे और गर्म जज्बे समो लेती मेरे भोले प्यारे साथी रे तू फर्क न इतना जान सका कागज के नकली फूलों में और सुर्ख गुलाब की टहनी में वा, वा, जब आला कांच के बर्तन आए तूने झट से मुझको तोड़ दिया तो दिस वाज़ द पोइट्री उस जमाने में लिखी हुई जबरदस्त इम्प्रेसिव जब बात करते हैं आपकी बुक्स की आपने ये जो अपनी शायरी की किताबें लिखी और आपने इंटरनेशनली मुशायरे अटेंड किए हैं जी. सबसे पहले तो ये बताइए आपने इंटरनेशनली जो मुशायरे अटेंड किए हैं सबसे ज्यादा बाजोक लोग आपको कहाँ नजर आए ये बहुत अच्छा सवाल है देखें अभी आजकल तो हम ौक की बात नहीं कर सकते चूँकि अभी जो शायरी हो भी रही है जो हमारी पब्लिक में आ रही है सुनने वाले जैसा सुनना चाहते हैं लिखने वाले वैसा लिख रहे हैं और वही पॉपुलर जो पोइट्री है इस वक्त वही है चूँकि उसमें आपको मजामीन भी उस लेवल के नहीं आपको मिलते और जो हमारी लफ्ज़ जो है वो भी उस पाए की नहीं है लेकिन अच्छे अगर हैं तो आपको ओवरसीज़ में आपको बहुत अच्छे ऑडियंस मिलते हैं क्योंकि वो रिलेट करते हैं अपने माजी के साथ और उनके लिए शायरी और स्पेशली जो इंडियन ऑडियंस हमें जब मिलता है उर्दू का वो भी बहुत अच्छा होता है ये मुझे वहाँ जा के अमेरिका में इतना अरसा गुजार के मुझे इस चीज़ का मुझे हुआ लेकिन ये है कि आपको दुबई के मुशायरे बहुत अच्छे जाते हैं और सऊदी अरब में बहुत अच्छे मुशायरे जाते हैं क्योंकि ऑडियंस आपको अच्छा होना चाहिए लेकिन लाहौर की तो बात ही लाहौर तो लाहौर है। लाहौर की बात है और हमारे मजाफती इलाकों में भी मैं आपको लायलपुर जो है मैं फैसलाबाद नहीं।, नहीं कहती लायलपुर कहती हूँ तो क्या हम उस दौर के लोग हैं लायलपुर के मुशायरे बड़े हिट होते हैं और फिर हमारे जो मजाफती इलाके हैं चश्तियाँ पाकिस्तान के हर शहर में तकरीबन हमने मुशायरा पढ़ा है लेकिन जब बात करती हूँ कराची की तो कराची का हमारा ऑडियंस भी बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है आर्ट्स कल्चर जो है ना वो जी हमारी जो एक बात करते हैं आपकी बींग एन एम्पावर्ड ये बताइए कि आपने उस दौर में काम स्टार्ट किया जब औरतों के लिए बहुत मुश्किल था जिससे आपने बताया कि जमाना yeah. इतना इंडिपेंडेंट yeah. नहीं था इतना एक्सपोजर yeah. नहीं था औरतों को तब आपने मास्टर्स भी किया आपने साथ साथ राइटिंग स्टार्ट की यू टर्न आउटर्स ऑफ द फेमस तो ये बताएं कि इस वक्त आपने चैलेंजेस कोई फेस किए ये कोई ऐसे वाकियात जिन्होंने आपको कुछ देर के लिए इनसिक्योर किया हो या आपका कॉन्फिडेंस जो शटर किया हो ये तो हर रोज़ होता था ये एक वक्त नहीं एक वक्त नहीं होता था हम मुशायरा पढ़ के जाते थे तो घर में अब जश्न बहार का मुशायरा पड़ा घर में गुलदस्तों की बहार लग जाती थी hmm. तो फिर वो हम चैलेंज ये होता था कि ये कहाँ से आए हैं लेकिन जब वेन आई गेट मैरिड सो मैं एमएससी के बाद मेरी शादी हो गई और मेरे क्लास फेलो ही थे मेरे हस्बैंड तो वो मेरे लिए एक बड़ा अच्छा बैलेंस हुआ माई हसबैंड ऑलवेज कोपरेट मी सपोर्टेड हाँ या एज अ एंड एज अ पर्सन टू चूँकि कंपेनियन होता है ना जब कंपेनियन रिलेशनशिप आपकी अच्छी बिल्डिंग होगी स्टेबल होगी तो लाइफ भी स्टेबल होगी तो मैं ये समझती हूँ वो जो चैलेंज की आपने बात की वो तो मुझे बहुत मिले उस दौर में काम करने के दौरान चूँकि आई वॉज इन कैसे करती थी बहुत मुश्किल होता था यू नो आई वाज इन टीयर्स सम टाइम और मैं मुझे आंसू पीने की आदत हो गई कोई ऐसा वाक्य जिसने आपको हिला दिया हो कोई ऐसी बातें या कोई ऐसी तनकीद तनकीद तो बेशुमार होती है वो देखें आपको देखें आ, हमारे माशरे में औरत को पहले तो माना ही नहीं जाता तो तनकीद तो आपको अपने करीब के लोगों से ज़्यादा मिलती है वो आपको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते वो शायद कभी घर से भी मिल सकती है आपको चूँकि वो मानते हैं चूँकि हमारा मर्द का माशरा है और रहा ये नहीं कि इस हमारे पाकिस्तान का वेस्ट का भी ये भी मैं आपको बताती चलूँगा हमारी यूनिवर्स में हमारी प्लान अर्थ के ऊपर और ये इसको मैं मानती हूँ आई एम नॉट ए फेमनिस्ट आई एम नॉट अ फेमेस्ट मैंने बड़ी फेमेजम की हैं कॉन्फ्रेंसिस अटेंड अभी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में दर वॉज अ जर्मनी में थी एक हमारी तो हमने अटेंड की तो मैंने कहा मुझे क्यों बुला रहे हो आई एम नॉट अ फेमनिस्ट तो मैं तो उसके अगेंस्ट बात करूंगी तो वो कहते हैं वी वॉन्ट द पीपल लाइक यू टू बिकॉज यू आ रियल इमेज ऑफ अ रियल इम्प्रेशन ऑफ अमेस्स रियल एग्जाम्पल मैंने कहा कि आई एम एनस्ट हूँ मैं अ फेमनस्ट हूँ तो ये बहरहाल बात यूँ बनती है कि हमें करते थे लेकिन मैं उससे ज़्यादा मैं अपनी हमेशा जो एक बात आपको बताती चलूँ कि जब भी आप नाकाम होते हैं ना तो जो उससे हासिल होता है वो कामयाबी से हासिल नहीं होता ये तो मुझे जब चोट लगती थी उसके बाद मेरी स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ती थी क्योंकि हमें क्या मिलता था एक सबक मिलता था वो लेसन मुझे कामयाबी में नहीं मिलता था जो लेसन मुझे इस तरह की चोट और नाकामी से मिलता था और मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं अपने कम्फर्ट जोन को तोड़ के बाहर निकलूँ इसलिए मैं ज़िंदगी में कुर्सियां बदलती यानी कि आपको रिस्क टेकिंग फैक्टर्स पसंद पसंद थे चैलेंजेस लेना था yeah, जब तक हम डेयर टू यू नो टेक अ रिस्क ये सक्सेस टू द सक्सेस राइट आप right. किसी भी माशरे में एक इकाई के तौर पे ले लें या इसको आप जनरल भी ले लें अगर आज के नौजवानों को देखें वाई दे आर सक्सेसफुल दे हैव यू नो हम ग्लोबली हम बात करते हैं मैं कभी भी पाकिस्तान के नौजवान को अपने वेस्ट के नौजवान से अलग नहीं समझती बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू इच अदर एंड दे आर वेरी मच बेटर देन हमारी मिडल एज के लोगों से इसलिए वो सच बात करते हैं हम लोगों की बुनियाद जो थी सॉरी टू से शुरू से ही झूठ पर रही हम लोग अपने अंदर फेक करते थे हम जो हैं हम वो बताते नहीं थे देखें बहुत सी ऐसी खुवान जिन्होंने सच बताया तो उनको बहुत मूँ की भी खानी पड़ी और एंड पे वो कोई अच्छा नहीं लेकिन अभी के बच्चे उन्हें यह बता दिया और ये बहुत अच्छी बात है यकीन ना हमने उनके लिए पेव किए रस्ते उन खातन के लिए उन हमारे जैसी खुवान ने पेव किए लेकिन उन पर चलने वाली बच्चियाँ और बच्चे दोनों दोनों को बॉयज़ एंड गर्ल्स में दोनों को समझती हूँ हमारे नौजवान बहुत स्ट्रांग हैं उनके पास इस वक्त थोड़ी कमी है लेकिन वो बड़े स्ट्रांग हैं ये बताइए जब हम बात करते हैं अगेन 1993 में जाते हैं जब आपको जी जापान में अवार्ड मिला जी बेस्ट चिल्ड्रन साइंस बुक के लिए उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी और उस वक्त अवार्ड मिलना वो भी जापान से yeah. बहुत बड़ी बात होती है एंड यू वाज जस्ट ट्वेंटी थ्री आई गेस यस वो टाइम मैं बुश आपको एक बात बताऊं कि वो टाइम मेरे लिए बहुत आ, मुश्किल इसलिए था कि मुझे पता भी नहीं था एक्सीटर के ऊपर हमारे घर में मई ट्रेनिंग ही नहीं हमारे मुल्क में थी एक पेनोरामा में होता था हमारे वो जो इलेक्ट्रॉनिक जो सीढ़ियाँ उस ज़माने में और वो भी बंद होती थी आठ सीढ़ियाँ होती राए, थी राए, आप राए. ये सोचें कि हम लोग कितने हमारी ट्रेनिंग कितनी कम हम थी हमें हमें लिफ्ट में बैठना नहीं आता था उसको ऑपरेट करना नहीं आता था ये चीजें थी और उससे पहले मैंने मैं नहीं, मेरा नहीं ख्याल मैं जहाज में बैठी थी मैं आपको बताती चलू और मैं एक दफ़ा कामरा में गई थी बीएससी में वो हमें लेके गए थे एक मुशायरे पे और हमारी बल्कि जहाज के अंदर उन्होंने स्टूल रखे थे देर वॉज नो सीट इन द्लेन तो मुशायरे मशायरे पे गए कामरा ये आर्मी वालों ने एक मुशायरा कराया था तो वो जहाज तो कौन सी वो से वन थर्टी का जहाज़ था कोई एयरलाइन नहीं थी उनका अपना होता है तो वो था तो वो दैट वॉज अ गुड उसमें भी मैंने अवार्ड तो मिला मुझे मतलब उसमें पोजिशन थी आई थिंक एट वज सेकेंड फर्स्ट बिलाल सूफी थे nice. और सेकेंड आई वॉज देव लेकिन मैं वैसे आपको बताती हूँ इस तरह के डिफरेंट हमारे होता है लेकिन आ, मेरे लिए बहुत चैलेंजेस यूँ थे लेकिन मैंने अपने आप को दो चार दिनों में एडजस्ट किया उस, मौश, उस पूरे माहौल में और आई वॉज़ वेरी मच हैप्पी लेकिन आप ये सोचें कि वहां पर मैंने इतनी करीब से दुनिया नहीं देखी थी उसको फिर मैंने आके वापस मैंने फिर लिखा एक सफर, सफर नामा yeah, yes. आपने फिर लिखा सारे yeah, वो मैंने अभी बल्कि जापानीज गवर्नमेंट ने उसको ट्रांसलेट चुके अभी मेरा जब लेटेस्ट विजिट हुआ अभी मैंने आज का जापान उसमें शामिल किया जो हमारा नया आ रहा है उसका उस वक्त कैसा था जापान वाज लाइक डिजिटल वर्ल्ड एट दैट टाइम लेकिन ये कंप्यूटर्स एवरीवेयर जापान की एक सबसे बड़ी ख़ूबी ये थी ये मेरे सफ़रनामे नामे भी मैंने लिखा था उस वक्त अभी मैं ख़ुद अपना सफ़रनामा पढ़ती हूँ आई एम सरप्राइज सो मच मेरा जिसे कहते हैं मुशाहिदा कितना स्ट्रॉग था स्कूल हम गए हमारा उन्होंने डिफरेंट जगहों पर विजिट करवाते थे हम लोग नारा गए क्यूटो गए मुझे याद है हमें तब्सम कश्मीरी साहब हमें ओसाका में जो हमारा उर्दू का वहाँ पे मिले तो ये सारा था इनवाइट किया सब कुछ लेकिन ये मैं आपको बताऊं चुकी और भी राइटर्स थे वहाँ पे पूरी दुनिया से विकी कॉब अमेरिकन राइटर थी जिसके साथ मैंने फिर अमेरिका में जाके फिर मैंने किताब लिखी वो साइंस की किताब लिखती अच्छा वो था उधर ये था कि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जो था वह बच्चों के प्राइमरी स्कूल में आके दो दिन क्लास जरूर लेता था ताकि आपकी बुनियाद जो है उस लेवल तक आप आके लेके चीज़ को चले तो एजुकेशन सिस्टम देखें और कितना भी वहां पर कोई भी था ये था कि वो मिट्टी के बारा ही रहते थे उनकी अंदर रेत नहीं उनकी मिट्टी में शामिल थी उन्होंने अना नहीं थी तभी तो वो कॉम जो है आज, भी आज की है। जवाल के बाद फिर अपने आप को कितना उन्होंने एलिवेट किया हर लिहाज ट्रू 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 ये बताइए जब हम बात करते हैं आपकी बाकी किताबों की जी जो तुमने देखा ट्रेवलर ऑफ द यू एस ए सोचती आंखें, उसके पीछे क्या था क्या चल रहा था ये बस ये देखें तख्लीक जो है ना वो आ, मैं कोई सोच के नहीं लिखती कि आज मुझे ये लिखना है वो आपको एक आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है एक चीज़ क्लिक करती है देन यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट उसको पब्लिश मैं तो कहती हूँ उसी वक्त करानी चाहिए क्योंकि एक औरत होने के नाते आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं अपने अपनी फैमिली को रखना है और मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था आई वेस्ट देयर इन यू एस कि अपने बच्चों को भी रेस करना है और प्रॉपरली रेस करना है उसके लिए मैंने वो भी काम किए जो मुझे जिंदगी भर नहीं करने चाहिए था। मसलन मसलन आई वर्क मैंने कभी शॉपिंग नहीं की थी जिंदगी में आई नेवर वेंट टू बाजार एंड जब आप अपना काम शुरू बाजार में कर लें टेल मी अबाउट इट बेशक आपकी कितनी बड़ी कंपनी हो टेल मी अबाउट इट नॉइज आपके लिए कितनी पेनफुल थी इट वॉज अट फॉर मी आप मेरी समझते हैं? मुझे, मेरे पल मुझे दिला दो माजी जो गुजरा कुछ उससे ला दो मेरी हदों के निशान बता दो मेरे पल मुझे दिला दो तो हमारे लिए लेकिन उसका मुझे सिला यूँ मिला कि मेरे बच्चों ने देखा चूंकि हमने ये नहीं सोचा था कि हम लोग देखेंट कट्स ऑफ लाइफ राइट वेन यू हैव टू डू उस चक्की में आपने सब ने काम करना है तो यही सक्सेस है अब मेरे लिए वो प्राइड है मैं उस काम को उस बात को मैं बड़े प्राइड से बताती हूँ एक इतनी बड़ी ऑफिसर हो के इतनी पढ़ी लिखी हो के इतनी हमारे लिए कितनी ऑनर की बात होती थी मुशायरों पे जाना मुझे याद है मिजा साहब होते थे शहजाद अहमद और उसमें बीना गोइंदी यंग राइटर्स को हम ट्रेनिंग देने जाते होते थे पाकिस्तान दैट वाज माय लाइफस्टाइल नो you know, और फिर वहां जाके आप छोटी सी एक जॉब करते हैं साथ में जब आप स्टूडेंट होते हैं hmm. तो आप फिर सोचते हैं ये मेरे बच्चे के दूध के लिए पैसे हैं फिर आप समझते हैं ये मेरे बच्चे के घर के लिए पैसे हैं तो इसलिए नेवर थिंक इट्स अ स्मॉल जॉब नेवर थिंक वो ही आपकी कामयाबी बनती है वहीं से ही आपकी सक्सेस होती है काम कभी छोटा नहीं step होता यस yes, और मैंने हमेशा ये, हमेशा हर चीज को एक्सेप्ट किया और वो एक्सेप्टेंस मुझे यूं मिली कि मैं समझती हूँ आज जब मैं अपने दोनों बच्चों की उम्र एन अली की सक्सेस देखती हूँ या अपनी कॉम की सक्सेस देखती हूँ मैं अपने आप को कम्फर्ट में देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है ज़बरदस्त माशाल्लाह और देखिए यही तो है जो हम सब सीख रहे हैं इवन के मैं yeah. भी ये पॉडकास्ट से बैठी हुई तो आई फील सो मोटिवेशनल राइट नाउ बिकॉज यू आर स्पीकिंग अमेजिंग एंड जो आपके मोटिवेशनल वर्ड्स हैं वो बहुत इंस्पायरिंग है हम सब yeah, के लिए जब you. बात करते हैं टू थाउजेंड अलेवन के अनस्टॉपेबल अवार्ड की yeah. तो ये बताइए जब आपने वो हासिल किया जब आपको वो मिला mm. रिसीव किया आपने तो उसके बाद आपकी क्या फीलिंग्स थी आपने देखा कि आपके इर्द कितने लोगों की जिंदगी सवर गई हैं आप एज एन एग्जाम्पल थी उनके लिए एग्जैक्टली तो किस तरह सबने अपनी लाइफ को शेप अप किया देखिए मैंने एक्चुअली आई वाज आई वाज नेवर वांटेड टू बी आउट ऑफ मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं करूँगी लेकिन दैट वाज वन एलिमेंट इन माय लाइफ मुझे मैंने जब काम करना पड़ा तो फिर मेरे लिए रास्ता निकला और ये गूगल के ज़माने की बात नहीं है Wonderful. जब इतना ईजी हो जाता था फिर मुझे वहाँ के गवर्नर ने हमारी रजिस्ट्रेशन दी है और उन्होंने फिर मुझे अवार्ड एक दिया कि नॉन स्टॉपेबल वुमेन का वो अवार्ड कि आपने इतनी ग्रोथ की कि यू हैड दिस कंपनी ग्रोथ लाइक दिस और उसमें मेरा कमाल ये था कि मैंने सूरज की रोशनी नहीं देखी थी यूनिवर्सिटी भी जाती थी साथ में काम भी करती थी थर्टीन ईयर्स फाइव ओ क्लाक इन द मॉर्निंग एलेवन ओ क्लाक कम बैक होम एंड एक छुट्टी साल की इस सक्सेस के पीछे ये सब कुछ है लेकिन उस सक्सेस में मेरे एक एक उस शख्स का हाथ है उसमें शाक़ साहब भी आते हैं मेरे पेरेंट्स भी आते हैं हर उस शख्स का जिसने मुझे क़लम लिखना सिखाया जिसने मुझे लफ्ज़ की हरमत का बताया लफ्ज़ की हरमत अमल में है लफ्स के मानी में है और मानी जब पूरे होते हैं जब हम उसके ऊपर अमल करते हैं जैसे हम कुरान को जो है हम पढ़ने की किताब समझते हैं कुरान जो है अमल करने की बिल्कुल आपने कलम की बात की मेरे जहन में आता है पेन पेन से पेन नेम जो कि आपको अशफाक अहमद साहब ने दिया जी बिल्कुल ये ये क्या किस्सा बताइए और आपका जो निकाह था उसमें जो वकील साहब मौजूद थे वो भी अशफाक अहमद जी थे। जी ये भी जरा बताइए जी बिल्कुल ये बहुत अच्छा अशफाक साहब की मेरे साथ एक ऐसी बीएससी में उन्होंने मैंने आपको बताया उन्होंने कहा और फिर मैंने लिखना शुरू किया उनके लिए भी और साइंस में उर्दू में लिखना शुरू किया वो उन कहते थे कि तुम कहानियाँ जो लिखती हो इसको इस इस तरह लिखा और उन्होंने एक पैराए में मुझे रहनुमाई की तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और फिर उनके साथ जुड़े हुए तमाम लोगों से हमारा एक्सपोयर भी हुआ देखें हमें कभी रिग्रेट नहीं करना चाहिए और अन थैंकफुल भी नहीं होना चाहिए आप कभी भी किसी शख्स के जो एक आपको पीएन या आपका घर का हेल्पर जो आपके लिए खाना भी बनाता है ना वो भी आपका सक्सेस स्टोरी का एक बहुत बुनियादी एक होता है तो इशफाक साहब वो वो तो उन्होंने हमारी शादी के वकील थे <laughs> और बानूकदसिया जो थी शी वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी और ये सब लोग कोई, कोई ऐसी खास बात याद हो होशफाक आ... तो अहमद साहब की या बानो ख़ुदिया की जी इशफाक साहब हमेशा जब कुछ लिखते थे अच्छा लिखते थे तो उनका एक तरीका था अप्रिशिएट करने का तो वो पाँच रुपए के नोट के ऊपर लिख के देते थे तो वो मुझे कहते थे बीना बीबी कहते थे हमारी गुड़िया बीना बीबी तो वो इस तरह बुलाते होते थे तो हमारी अपने घर की बेटी तो ये कहते थे तो लेकिन ये अशफाक साहब का एक बहुत बड़ापन था और लेकिन अभी मैं देखती हूँ कि हर हर तरह के लोग होते हैं खैर अशफाक साहब वॉज नॉट अ जिसको लोग कहते हैं ही वॉज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव पर्सन वो जो एक था वो उस एज में सभी हो जाते हैं लेकिन ही वॉज नॉट लाइक दैट जो समझते हैं ही वॉज अ वेरी प्रोग्रेसिव पर्सन और हम इंसान हैं वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स हमारे अंदर एवोल्यूशन भी आती है और वो उनके किस्सों की जहाँ तक बात है तो वो बहुत कुछ करते थे हमारी जो लिखते थे हमें डांटते भी थे सबसे ज्यादा जिंदगी में मुझे डांट अपने बाप से पिटी और अपने इशफाक साहब से पिटी ये दो शख्स ऐसे थे और या फिर मेरे हस्बैंड अब मुझे कहते हैं कि तुम अपने आप को टाइम दो तो ये वो जो डांट होती है ना उसमें बहुत मोहब्बत होती है जब अशफाक अहमद साहब की बात करते बान कु की आपने उनको बहुत करीब से देखा जी बिल्कुल तो ये बताइए जब हम बात करते हैं दोनों के रिलेशन की या तो वो कैसा था मैंने भी एक माह नौ में एक उनके लिए इशफाक साहब के लिए भी उन्होंने एक उनका एक निकाला एक शुमारा उनका और एक बानो कुत्सिया के नाम का दोनों का तो उनमें मैंने मजामिल लिखे और मैंने उसमें बहुत नई नई बातें बताईं जो इशफाक साहब और बानो कुत्सिया की मोहब्बत की बातें थी बानो कद्सिया जो थीं वो आप ये समझें कि एक एम्पायर की हैसियत से नहीं थी बल्कि एक ट्वेल्थ जो बारवा खिलाड़ी होता है ना का उसकी ऐसी से थी शी वॉज़ अ वेरी जिसे पीछे रहने वाली ख़ातून थी, हमेशा अच्छा लिख के भी इशफाक साहब को ज़रूर पढ़ाती थी। उनका पूरा कॉन्फिडेंस था हालांकि बानो ने टॉप किया था उनकी क्लास फेलो थी और आपको ये भी पता होगा वो आप पढ़ लेंगे तो उसमें बाकी मानदा चीज़ें भी आपको पता चल जाएंगी लेकिन ये है कि बानो कद्सिया इशफाक साहब को बनाने वाली भी किसी हद हाँ तक बानुकुद्सिया थी इसलिए चूंकि उनको कॉन्फिडेंस देखें सबसे पहले इंसान की तरक्की के लिए आप पे कोई यकीन करे ना करे आपको अपने ऊपर खुद के ऊपर यकीन हो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी आपका है आपका अपने ऊपर यकीन होगा तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं दुनिया आपको जो मर्जी कहती रहे तो सेम विद इशफाक अहमद और लेकिन बानुकुद्सिया ने वो यकीन उनको दिया और हमेशा एक पीछे एक बाँधी बन के खड़ी रही और वो उनको उसमें खुश थी वो शी वॉज वेरी हैप्पी इन दैट और वो विश्वाक साहब की अच्छी बुरी बातों को हमारे साथ भी डिस्कस करती थी और बड़ी खुशी से करती थी और विशाक साहब को पता था बट इट वॉज अ वेरी एलिगेंट एंड इंटेलिजेंट कपल एंड वेरी लविंग कपल ये बताएं जब बात करते हैं फिलोसफी की और साइंस की जी इन दोनों में क्या है किस तरह से आपने इनको बैलेंस किया किस तरह से तरफ इनको लेके चली क्या तालमेल है किस तरह से आपने दोनों को मैनेज किया और क्या फ़र्क है देखें अभी मैं आपको आज की दुनिया में आप लोग रह रहे हैं आप लोग यंग हैं आज ये बीस बरसों में जो दुनिया में तरक्की हुई है उतनी तरक्की अब तीन दिनों में हो जाती है ठीक तो है अब फिलासफीज़ तो इंटैक्ट रहती हैं साइंस जो है वो तब्दील होती है ठीक साइंस जो है ह्यूमन बॉडी इज कम्प्लीट साइंस एक साइंटिफिक लेबॉरेटरी है लेकिन हम जो हैं खुद एक लेबॉरेट्री हैं जैसे साइंस लेकिन हमारा इंटेलेक्ट जो है वो हमारी फिलॉसफी है वो हमारी साइकोलॉजी है वो हमारी वो चीज़ है हमारा थॉट जो हमारा इंटेलेक्ट जो है यानी हमारी तीन बॉडीज़ हैं एक हमारा फिज़िकल बॉडी द स्परिचुअल बॉडी एंड अवर इंटलेक्चुअल बॉडी तो ये बताइए जब बात करते हैं अदब की और साइंस की ये तो अभी बहुत। तो हमने साइंस और फिलोसफी की बात कर ली अब हम बात करते हैं अदब और साइंस की आपने दोनों में किताबें लिखी हैं दोनों में आपने भरपूर मास्टर्स जी। किया है, बिल्कुल तो ये अदब और साइंस का क्या तल्लक है क्या तालमेल है देखिए, लिटरेचर हर वो चीज़ जो कि सस्टेन करती है वो आ, अदब के उस ज़ुम्रे में आता है और साइंस तो अब तो साइंस के बग़ैर तो कुछ है ही नहीं ना यू you नो know, अभी हमें समझ आ रही है ये जो साइंस है ये आइंस्टाइन का नहीं है नॉलेज ये रब का नॉलेज है ये इल्म जो है साइंस का इल्म जो है ये रब का नॉलेज है ये वो इल्म है जिसको आप कुदरत का नॉलेज है अभी मेरी एक नई किताब आई है फ़ाईाई आलूगी अभी कल उसकी लॉन्चिंग भी है बल्कि इतफाक़ से तो मैं कहूँगी आप भी आइए उसमें तो ये है कि उसमें मैंने फ़जाई आलूगी लिखी तो उसमें मैं ये समझती हूँ हम हम क्या हैं देखें अभी जैसे उसमें लेकिन उसमें वो जो किताब कोई पढ़ता है वो कहते हैं ये तो हमें अदब की किताब लिखती है लेकिन हमने ऐसे अच्छे अंदाज से अपने प्लांट्स जो हैं इनमें साइंस भी है और इन्हीं प्लांट्स के ऊपर आप पूरी अपने जज्बात की अक्सी भी कर देते हैं ये, ये पूरे रोमांस हो जाता है आपका ये पौधा जो है आपके सामने ये पूरा रोमांटिक एक एलिमेंट है पूरी एक आपका फोकस है तो आप इसको कैसे अलग कर सकते हैं अपनी सोसाइटी से अपने आप से अपने माहौल से और जो हमारा इको बनता है वो हमारे जहन का हो या हमारा अपना हो या हमारा जनरल यूनिवर्स का हो या इस मल्टीवर्स का हो इसमें सारी चीज़ें क्या हैं ये सारे आपके इकोसिस्टम सिस्टम है उसको बैलेंस करना तो अदब में भी यही बात है कि जब तक आप को रिलेट नहीं करेंगे आप हैं कवाकिब कुछ

कितने बरस तक चमकते नजर आते हैं आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वो जो सितारा आसमान पे चमकता नज़र आ रहा है वो तो टूट चुका होता है वो तब भी चमक है और लेकिन गालिब को कैसे पता चला क्योंकि आपके अंदर हर शख्स के अंदर साइंटिफिक या हर तरह का इल्म होता है हमें अपनी खुद शनासी का सफ़र जारी रखना होता है जब तक हम अपनी सलाहियत को वो साइंटिफिक हो वो आर्टिस्टिक हो या किसी तरह की भी सलाहियत हो उसको हमें अपनी को उजागर करना है उसको समझना है तो मैं ये कहती हूँ अपने आप को समझें पढ़ें और आगे बढ़ें बिल्कुल ठीक बात की आपने जब बात करते हैं दुनिया की दुनिया में यूएसए की यूएसए में होने वाली यूएस इलेक्शंस की तो ये बताएं आपको क्या लगता है कौन जीतेगा ये तो बड़े इस वक्त बड़ी फ्लिप सिचुएशन है अभी ये आपने कहा चूँकि मेरा सहाफत एक हमारा जाहिर है हम रहते हैं बियंगा वहाँ पे डाइसपोरा के फिर पाकिस्तान अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन के साथ मेरा एक आई एम वन ऑफ द मेंबर ऑफ दैट टू और हमने वो उसको किया बनाया हमारे खुरम शहजाद हमारे भाई ने लेकिन बात यह कि मैं आपको एक बात बताती हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान अमेरिकन एलेक्शंस की उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस वक्त दुनिया में इतनी तब्दीली आ चुकी है कि इलेक्शंस के या किसी चीज़ के भी रिजल्ट अनप्रडिक्टेबल हैं इस अनप्रडिक्टेबल में हम सब लोग की, की मैं समझती हूँ कि चौंक सकते हैं और इसलिए चूँकि आपने देखा है कि पहले तो ये हमारा था कि आपके जो बाइडन साहब जो हमारे प्रेजिडेंट हैं उनकी सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड हो रही थी उन्होंने ये किया स्टेप लिया बड़ा अपने आप को रेजिग्नेशन दे के और कमेला आगे आई लेकिन अब उनको प्रूफ करना पड़ेगा चैलेंजेस hmm. दोनों को हैं और आप ये भी देखिए माफिया हर जगह पे होता है ये माफिया से हम बच नहीं सकते जो हमारा ये हर तरह का पॉलिटिकल माफिया एंड right. कल्चरल माफिया लेकिन इस वक्त फिफ्टी फिफ्टी फोर्टी नाइन किसी स्टेट्स में यूँ चल रहा है लेकिन मेरा जहाँ तक पर्सनली अगर मैं पेशीन गई तो नहीं कर सकती लेकिन मैं इतना ये समझती हूँ कि इस वक्त मुझे यूँ लगता है कि मेला को थोड़ा सा अगर वो हारती भी हैं तो बिल्कुल एच पे मार्जिन एच हारे लेकिन जीत सकती हैं लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि आ, मैं कुमेला के हारने के चांसेस ज़्यादा हैं ये बताइएगा अगर कमेला हेरिस हार जाती हैं तो और कौन जीत सकता है किन के चांसेस ज़्यादा हैं और उसे पाकिस्तान और यूएस के जो रिलेशन है वो किस तरह से बेहतर होंगे या नहीं होंगे और तो और पीटीआई जो है उनके ग्राउंड्स किस तरह के रह जाएंगे ये आपने तीन बड़े मैंने तीनों एक ही क्वेश्चन में ठीक है अच्छी बात की है लेकिन इसमें देखें पहली तो बात ये है कि ज़ाहिर है जब कमेला नहीं होंगी तो हमारे जो हैं ट्रम्प ट्रम्प वो वो उनको है के डेफिनेटली के, होंगे हमारे सदा, सदार्ती जो हमारे जो उनकी लॉबिंग बहुत ज्यादा हुई है इस वक्त ये बात है चूँकि लॉबिंग आपको करनी पड़ती है तो चलिए फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रम्प जी यूएस पाक के रिलेशनशिप्स किस तरह के होंगे ये खुशी की बात होगी या नहीं अभी देखें इस वक्त पाकिस्तान में भी अगर सूरत हाल सियासी के ऊपर मैं बात नहीं करती चूँकि मेरा इतना कमांड मैं उस नहीं लेना चाहती बल्कि कह लें इतना बोझ नहीं लेना चाहती चूँकि इमरान खान मेरा हीरो था क्रिकेट का हमारी जवानी का तो सियासत में आके मेरा तो वो हीरो मर गया तो मैं ये समझती गलत दे सियासत देखें ये हर बंदे के करने का खेल नहीं है इसमें सियासी जो हरीफ हैं उनको उसी तरह होना चाहिए ठीक है आप सीख जाते हैं लेकिन हमारा हीरो इमरान और तरह का था तो उसी को वैसे ही रहना चाहिए था क्योंकि आपको जब रब देता है ना तो हमें उन चीजों को कंटेन करना चाहिए उस खुशियों को वासिफ साहब एक बात कहा करते थे खुश नसीब इंसान वो है जो अपने नसीब पे खुश है तो इंसान को जब रब देता है तो उससे खुश हो जाइए और शुक्र अदा कीजिए शुक्र जो है वो दुआ की अगली चिट्ठी है ये मैं बात समझती हूँ और जहां तक इंपेक्ट क्या होगा उस सिलेक्शन का पाकिस्तान के ऊपर ये हमारा खाबो ख्याल है कोई इम्पैक्ट नहीं होगा ये मैं आपको बता हालात वैसे के वैसे जी बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रहेंगे इसलिए हमारे हालात उस वक्त सही होंगे जब हम अपने हालात खुद सही नहीं करेंगे किसी को अमेरिका में फ़िक्र नहीं है कि इस वक्त पीटीआई के साथ क्या हो रहा है कोई उनके एजेंडे के साथ शामिल नहीं है या मुस्लिम लीग इस वक्त सस्टेन करेगी या पीपल्स पार्टी क्या करेगी आपका स्लान किधर भी हो हमें अपने मसाइल का हल ख़ुद करना है हमें ये हमारे इंटरनल मसाइल हैं वो आपको अगर आईएमएफ आपको पैसा देती है या कुछ भी करती है, वो आपकी एक डील है जो आपके साथ चलती है वो आपको एज अ स्टेट के तौर पे करना है हमारी पॉलिटिकल एजेंडाज डिफरेंट है वो उसके लिए हमें आपस में एक आ, हमें टेबल पे आके बात करनी होगी और सारी बातें हमें गुफ्तगु से करनी है अभी आपने आईएमएफ की बात की तो आईएमएफ और पाकिस्तान की जो डील हुई है सात बिलियन यूएस डॉलर्स की तो इससे हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपको क्या लगता है स्टेबल होगी हम जाएंगे स्टेबिलिटी की तरफ या नहीं जी देखिए ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जहाँ तक है ना इसमें ग्रोथ का बहुत ताल्लुक है ये यूं नहीं है कि हमें पैसा कोई दे देगा तो हमारी ग्रोथ हो जाएगी नो वी हैव टू अर्न एवरी डे वी हैव टू पुट द थिंग्स टू एवरी डे इसमें एक चीज़ हमारे सक्सेस हम कर सकते हैं हमें स्ट्रेंथ इस वक्त सिर्फ यूथ देख सकती है right. और वो भी हमें किससे दे सकती है हमारी जो वो काम करते हैं ऑनलाइन वर्किंग से यानी कि ऑनलाइन वर्किंग से उसको कहते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग सिर्फ एक चीज से सक्सेस कर सकते हैं दिस इज आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग आप अमेरिका के पैसे आपको डॉलर में मिल रहे हैं और पाकिस्तानी मैंने स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं अगर हमारे इस वक्त दस हजार स्टूडेंट यूं काम कर रहे हैं अगर ये दस लाख स्टूडेंट्स ऐसे हो जाएं, हर शहर में हो जाएं, तो सोचिए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग जाए। हो जाएगी right. इस वक्त हम सिर्फ यूट्यूब के पीछे पड़े हुए हैं हम कुछ भी यूट्यूब पे चला रहे हैं ये हमारी को स्ट्रांग नहीं करेगा ये ना देखें कि कहीं पे आपके इस कंटेंट की वजह से आपका यूट्यूब ना बंद हो जाए दिस इज वन ऑफ मैं आपको बिगेस्ट आपको बात बता रही हूँ बिग फैक्टर दैट्स वाई यूट्यूबर्स को भी अपने मेजर कॉन्टेंट की तरफ आना है इसी तरह जैसे ये बच्चे जो इस वक्त

What do you think? वट इज़ इट ऑल अबाउट अ ग्लोबल विलेज देखें हमें मुझे याद है एक ज़माने में ग्लोबल विलेज की हम यूनिवर्सिटी में जब मैं थी नाइन्टीज़ में एटीज़ के एंड में नाइन्टीज़ में तो हम बात किया करते थे ग्लोबल विलेज जो है वो आने वाला है ग्लोबल विलेज दुनिया बन जाएगी हमें इमेजिन नहीं कर सकते थे इट वॉज नॉट अ कम्प्यूटर टाइम तो हमें को रिलेट करना नहीं आता था हमें सिर्फ कॉडलेस फ़ोन ही हमारे पास मैक्मम मैक्मम वो भी किसी किसी के घर में था तो आप ये सोचें ग्लोबल विलेज की हम बात सुनते थे चूंकि हम पढ़ते थे अमेरिकन अमेरिकन सेंटर में जा सुनते थे लेकिन ग्लोबल विलेज एक्चुअली इट्स लाइक अ साइकोलॉजी यूनिफॉर्मिटी उस ग्लोबल विलेज को अगर हमने अपने कल्चर को अपनी जबान को और अपनी आइडेंटिटी को अगर हमने जिंदा रखना है बींग पाकिस्तानी बींग अ एक रेस अपनी रेस जो हम कोई भी हमारी रेस है अफगान हैं पंजाब हैं पश्तून हैं बलोच हैं सिंधी हैं या कोई भी हैं right. या पाकिस्तानी हैं उसके लिए हमें डेटाउस उसमें डालना पड़ेगा ट्रू हमें वो जमानों को डालना पड़ेगा नहीं।, नहीं।, वो हम वी आर नो मोर हमारी वो किताब जो हमारी ऑनलाइन नहीं है वो किताब लाइब्रेरियों में ही पड़ी रहेगी वो फिर कहीं पीछे रह जाएंगे और लाइब्रेरियों में जाने वाले बहुत कम लोग होते हैं अब देखें ना जमाना कैसे शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स डिजिटल बिल्कुल डिजिटल है तो वी हैव टू बी वी वी हैव हैव टू टू एक्सेप्ट एक्सेप्ट इट इट और ग्लोबल विलेज ये खुदा का कानून है

ना वो तेवर बदलता है न चेहरा ही बदलता है न वो तेवर बदलता है वो जालिम सिर्फ अपने हाथ का पत्थर बदलता है वाह वाह वा. न चेहरा ही बदलता है न वो तेवर बदलता है वो जालिम सिर्फ अपने हाथ का पत्थर बदलता है बड़ी तब्दीलियां होती हैं इंसानों की बस्ती में बड़ी तब्दीलियां होती हैं इंसानों की बस्ती में परिंदा कोई देखा है जो अपना घर बदलता है जबरदस्त जो हमने अपनी आंखें फेंक दी हैं उसके कदमों पे जो हमने अपनी आंखें फेंक दी हैं उसके कदमों पे सो अपनी आंखें हर एक गांव पर दिल पर बदलता है तो अभी मैंने एक बल्कि गजल है बेवफा से वफा बेवफ़ा से वफा निभाई थी जिंदगी की यही कमाई थी वाह वा, वो वा, तो गर्विदा हो गया था मेरा मैंने भी उससे लॉ लगाई थी और शेर है मैं तेरे हिजर के हसार में थी <imitation> मैं तेरे हिजर के हसार में थी कब तेरे वसल तक रसाई थी अभी एक है दिलों में रंजिश हज़ार रखना कीजिए दिलों में रंजिश हज़ार रखना मगर हमारा शुमार रखना वाह 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 जबरदस्त दिलों में रंजिश हज़ार रखना मगर हमारा शुमार रखना जहाँ पे हो एतबार सिक्का जहाँ पे हो एतबार सिक्का रवा नहीं है उधार रखना जहाँ पे हो एतबार सिक्का रवा नहीं है उधार रखना हमें नहीं एतबार खुद पे हमें नहीं एतबार खुद पे हमारा कुछ एतबार रखना एबरदस्तरफुल आउट स्टैंडिंग सो इम्प्रेसर से बहुत इंफॉर्मेटिव बातें थी बहुत शुक्रिया बहुत मैंने कुछ सीखा आपसे और आपने मुझे मोटिवेट भी किया बहुत जगहों पे हम मिलेंगे बेस्ट ऑफ लक फॉर यू लॉन्च जो कि आपकी बुक की है फ़ाईा आलू की उम्मीद है कि ये लोगों तक पहुँचे और लोग इसको समझ सके कि आखिर इसमें जो आपने बातें की है साइंस और अदब को लेकर yeah. उसका एक्चुअली बैलेंस क्या है और yeah. वो हमारे लिए कितनी बेहतरी ला सकती है जिंदगी में लेट्स सी बेस्ट ऑफ लक टू दू एस फॉर योर सिलेक्शन एज वेल सी यू अगे इनशाला थैंक यू फॉर बिंग हेयर एंड टेकिंग आउट योर प्रेसियस टाइम थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग टूडे स्टे टी फॉर अनदर सेशन टिल देन बाय बाय